पता होगा अगर आप मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे हो तो मेरा गोवा ट्रिप ख़त्म हो गया और हम आ गए फिर से नॉर्मल वाली, पहले भी नॉर्मल थी बट कैसे वहाँ पे इंजॉय था। और आने के बाद से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, सब कुछ स्कूटियों को स्कूल भेजना, अपना खुद का काम, सब कुछ बढ़ गया। और नासिक में अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो मैंने सोचा थोड़ा सा आज मैं वीडियो शूट करूँ। एक्चुअली मैं दो दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज बहुत वहाँ जाने के बाद से बहुत सारे काम ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उसको करना, कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। वन सेकेंड, आई थिंक ब्राइटनेस बराबर है, मुझे लगा ब्राइटनेस कम है, सो मैं ब्राइटनेस बढ़ा रही थी। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं गड़गड़ गड़गड़ की। और आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मेरी फीस आई थिंक 9 थी, अभी वो बज गई सिर्फ 3, सिर्फ 8, ये ब्लैक और 2 ये, और इसको पता नहीं क्या हुआ है ऑरेंज वाली को, जो कि पूरे दिन यहाँ कॉर्नर में पड़ी रहती है, क्या हुआ आई हैव नो आइडिया कि इसको क्या हो गया। सिर्फ 3 मछलियाँ जो हैं वो अपनी कंटिन्यू चालू रहती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन और उसका वेट करती हूँ, फिर फिश टैंक साफ़ करके न्यू फिश लेकर आते हैं हम लोग। सो यही चल रहा है हमारे घर में। और वहाँ से आने के बाद से नवीन भी बहुत ज़्यादा, देखो ऐसे क्यों परेशानी, देखेंगे खुद इतनी क्यों परेशानी हो रही है। बड़ी भी हो गई काफ़ी, 2018 भी है तो बड़ी हो गई है, ये ब्लैक वाली काफ़ी बड़ी हो गई है। आपको फिश मैंने दिखाया और आज मैं इवनिंग स्नैक्स में सोयाबीन बनाने जा रही हूँ। सोयाबीन को ऐसे गर्म पानी में थोड़ा सा वो कर लिया, बॉयल कर लिया नमक डाल के, और जब बनाऊंगी जब मैं आपको इसमें ऐड करके दिखा देती हूँ। और कुछ नहीं, बस अभी कुछ दिन तक आपको ये डेली रूटीन हम 3 बंदे ही दिखेंगे आई थिंक। सो मुझे दिल्ली जाना पड़े रक्षाबंधन में, सभी बुला रहे हैं और मुझे 10 ईयर्स हो गए भाई को राखी बांधे हुए। सोच रही हूँ कि मैं ही जाऊँ, नवीन तो नहीं जाएंगे बिकॉज उनका घर का मतलब ऑफिस का काम, बिजनेस सब कुछ है, तो 2-3 दिन का मेरा काम वो संभाल लेंगे, एंड ऑफिस तो संभालते ही वो अपना। तो मैंने सोचा है कि मैं होकर आऊँ दिल्ली। अभी कुछ प्लान ऐसा नहीं है, 95% है नहीं जाऊँगी, 5% है जाऊँगी, बिकॉज मुझे भी अकेले जाना अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। तो लेकिन राखी का रक्षाबंधन के बाद है, भाई भी बुला रहे हैं आ जाओ बहुत दिन हो गए, तो सोच रही हूँ चले जाऊँ, सिर्फ 2 डेज़ के लिए जाऊँगी तो सिर्फ 2 डेज़ के लिए जाऊँगी, अदरवाइज ऐसे वन वीक भी नहीं लगाऊँगी, सिर्फ रक्षाबंधन राखी बांधूँगी उसको और फिर मैं आ जाऊँगी। और मैं आपको नासिक की क्लाइमेट दिखा, क्लाइमेट देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको दिख रहा है अभी मैं बाहर से अंदर से ले रही हूँ ये ग्रीन, तो बहुत बारिश हो रही है नासिक में, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है और काफ़ी टाइम से हो रही है बारिश। और चीज़ यहाँ बैठी हुई है उसको कर रही है, वो बोर हो रही है तो उसको काम कर रही है वो। तो हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय किया और सोचा मैं आपसे थोड़ा शेयर भी कर देती हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने गोवा में, और बिल्कुल रिलैक्स थे। सिर्फ मैं वीडियो ब्लॉगिंग करने के लिए फ़ोन निकालती थी, अदरवाइज फ़ोन में निकालती ही नहीं थी, फ़ोन मेरे ऐसे पड़े रहते थे, क्योंकि आप कहीं भी इन्जॉयमेंट करने जाते हो तो क्या है, वैसे तो फ़ोन के बिना हमारा काम भी नहीं होता, लेकिन हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप छुट्टियों पर जा रहे हो, वैकेशन पर जा रहे हो, तो आप फ़ोन को एकदम बिल्कुल साइड में ही डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया था। सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए निकालती थी, फिर रख देती थी, फिर नाइट में एडिटिंग करके फिर डाल देती थी, बस इतना ही मेरा फ़ोन का काम रहता था, बिकॉज ज़रूरी था वो भी, तो इसकी वजह से। और मुझे बहुत लोगों ने बोला है, कमेंट तो नहीं, मुझे बहुत लोगों ने, मेरे काफ़ी जो क्लोज हैं उन्होंने बोला है मेरा फेस, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, बट उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई, पता नहीं, बट केयर तो करती हूँ मैं अपनी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं केयर नहीं करती हूँ, केयर करती हूँ। एंड अगर आपको गोवा जाना है तो होटल तो बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि होटल नहीं अच्छे मिलेंगे, बट जिस होटल में हम लोग थे देखो ब्लैक एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा वहाँ पे हमें स्विमिंग कर लिया था, स्विमिंग करने के बाद से थोड़ा फेस काला हो ही जाता है, तो उसकी वजह से हमारा मेरा फेस काला पड़ गया,
काफ़ी पड़ गया है, हिंगू का भी हुआ है, मेरा तो ज़्यादा ही दिख रहा है एक्चुअली। तो फिर हाँ, आपको मैं बोल रही थी अगर आपको गोवा जाना है तो मैंने गोवा में कर्मा होटल, कर्मा ग्रुप का हाथी महल होटल था वो हमने बुक किया था, और उसकी प्राइस पर डे की 16,000 थी। हम वहाँ पर 4 डेज रुके हुए थे और हम खुद की गाड़ी से गए थे, तो टोटल मिला के हमारे खर्चे अच्छे खासे हो गए थे, लेकिन बट कोई नहीं, पैसे तो आते जाते रहते, बट लाइफ में इंजॉय भी करना चाहिए, तो हमने इंजॉय किया। जो क्यों भी बोर हो जाती है तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी हो सके तो दिल्ली भी लेके जाऊँगी उसको 2 दिन के लिए, नहीं जाएगी तो मैं खुद अकेले जाऊँगी, वैसे जाएगी, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगी, जाएगी वो। एंड मैं सोच रही थी थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर बाद में ऑयलिंग है कि कुछ मैं ऐसा कुछ क्लिप बना नहीं सकती, और शैम्पू करने कल थर्सडे, कल तो करें, देखती हूँ कैसे ब्लॉगिंग कैसे करती हूँ। मैं सोचा था आज ही करूँ बट आज ही रही थी, कोई नहीं, इट्स ओके। तो फिर मैं आपको इवनिंग टाइम में ही मिलती हूँ, बिकॉज नवीन भी आ जाए। आपको बोला था मैं इवनिंग स्नैक्स बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, तो करेले की सब्ज़ी सुबह की पड़ी हुई है, और ये मैंने सोयाबीन को थोड़े गर्म पानी में नमक डालकर थोड़ा सा बॉईल किया है, ये आप देख सकते हो। एंड देन ये मैं प्याज का तड़का दे, प्याज है, मिर्ची नहीं डाला बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है मिर्ची खाने की, तो ये प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, इसमें प्रोटीन रहता है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ शाम को सबको। और ये रहा, ये स्प्राउट है, आप देखते हो बहुत अच्छे से हुआ है अंकुरित, देखो कितने प्लेन आपको दिख रहा है। तो ये मैं बनाऊँगी एंड मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं इसको डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं बस थोड़ा थोड़ा ही बाउल बनाऊँगी, बिकॉज वो लोग रात को खाना भी खाते हैं तो खाना हो नहीं पाता है ठीक से। बाउल डाल देती हूँ, थोड़ा और, क्योंकि खाने बैठेंगे तो सब खाने ही लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता सब खाने लगते। और इसमें अच्छे से बिल्कुल थोड़ी सी ऑयल डाली है मैंने, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा बिल्कुल, एक्चुअली क्या ऑयल नहीं डाली मैंने, मैंने करेले की जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें से ऑयल निकल के आया था, तो मैं उसमें ही उसको भून रही हूँ, बिकॉज ऑयल ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है। ये मेरा सौंठ हो रहा है, देन मैं इसमें सोयाबीन डालूँगी, आप देख रहे हो, और इसको टेस्ट मिलाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें मैगी मसाला डालूंगी, अच्छे से भून रहा है आप देख सकते हो। इसमें मैंने अब नमक डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा ही नमक डालना है क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी मैं पहले से पानी में सोयाबीन का बॉइल किया था, मैं थोड़ा नमक डाली हुई थी, तो इसमें नमक डाली मैंने, और इसमें मैं अच्छा सा चटकदार डालने वाली मैगी मसाला। इसको पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं देना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहेगा तभी टेस्ट अच्छी आएगी, तो पूरा मैंने पकाऊंगी, थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा ही पकाऊंगी, बिकॉज थोड़ा दांत टिप टिप करता है तो अच्छा होता है। ये हाई प्रोटीन है, अंकुरित मूंग है, सोयाबीन है, सो हाई प्रोटीन, और जब आप प्रोटीन खाते हो तो आपका फैट कम होता है, मेरा फैट है नहीं बट फिर भी मैं फॉलो करती हूँ बिकॉज फिट रहूँ मैं, और कुछ नहीं, फिट रहूँ मैं।
मतलब ऐसे कभी कभार क्या होता है, पार्टी भी हो जाती है, सो उसमें खाना ही पड़ता है, खाना ही नहीं पड़ता बट कंट्रोल नहीं कर पाते तो खा लेते, तो इसलिए मैं कंटिन्यू ऐसा अपने आप को रखती हूँ, कभी कभार वीकली या मंथली हमारा 2-3 दिन ऐसा हो जाता है तो उसको मैं कवर अप कर सकूँ और खा लें। इसकी वजह से नाइट का खाना मैंने बनती है। अभी कुछ सोचो मैं 6 o'clock पर ये खाऊँगी तो मुझे भूख लगेगी क्या? इम्पॉसिबल, बिकॉज हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें मैं लेमन डाल देती हूँ। ये नवीन ऑन द वे है, सो चाय बनाऊंगी और ये लाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। आधा नींबू ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं, आधा नींबू डालना है। टमाटर भी डाल सकते हो, कैप्सिकम भी डाल सकते हो, कैप्सिकम मैंने काट के रखा था बट क्या हुआ मेरे दिमाग से बात करते करते आपसे बाहर दिमाग से मेरे निकल गए, तो कैप्सिकम भी आप डाल सकते हो। तो ये बनके मेरा रेडी है, अब इसमें डालना है धनिया पत्ता। और मेरे डेली के स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स मेरे चेंज रहते हैं। कल मेरा पोहा था तो मैंने सूट ही नहीं किया, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, क्योंकि मैं शाम को इवनिंग स्नैक्स लेती ही लेती, पहले नहीं लेती थी जब मेरा डिनर होता था, लेकिन जब से जब डिनर मैंने छोड़ा जब से मैंने लेना चालू कर दिया। सो आप ये देखो मैंने धनिया पत्ता डाला, आपने बोला धोया नहीं, धो के रखा था, तो ये रहा मेरा तैयार हो गया। चाय रखूँगी, नवीन बिल्कुल आते ही होंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। सोयाबीन हाई प्रोटीन दिख रहे आप, प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ये मेरा डिश कैसा लगा। तो मेरा हाई प्रोटीन स्नैक्स रेडी हो गया है। ये देखो सोयाबीन है और मैंने जो बनाया दिखा दिया है, और ये मेरी चाय, और ये पीयू बैठी हुई है, नवीन बैठे हैं। तो कैसा लगा पीयू? आगे बताती हूँ आपको कि कैसा बना हुआ है। अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी बना हुआ। आजकल यहाँ सभी हाई प्रोटीन है, प्लीज आप लोग भी एक बार ट्राई करो। अगर आपको फैट कम करना है तो वैसे भी खा सकते हो, बट फैट के लिए काफी अच्छा है कि आप जो चिप्स पापड़ प्रशासन के लोगों ने जैसे पकौड़े सब खाते हो, मत ही खाओ, खाओ कभी कभार खा मिल तरह, कभी मौका मिले तो खाओ। जैसे कहीं पार्टी शार्टी में जाना रहा तो खाना पड़ता है, ठीक है चलो खा लेते, कभी चलता है। सो ये हम डाइट आप जरूर फॉलो करो, बहुत हेल्दी रहेगा। अगर मैं जो आपको देख के लगते हैं बहुत मोटी हूँ तो और भी आपको बताऊँगी डाइट। जब तक हम इंजॉय कर लेते हैं फैमिली के साथ स्नैक्स पार्टी को, थोड़ा देर। गाइस हमारा हो गया इवनिंग स्नैक्स एंड पीयू स्टडी कर रही है, आपको दिखा देती हूँ। स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे बैठे हुए, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बहुत ठंडी मौसम हुई है जिसकी वजह से हम पीयू के रूम में आकर ऊपर लेटे हुए हैं। और सोच रही हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर दूँ मैं अपना, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। और कुछ है भी नहीं खास, डिनर करेंगे लोग सो जाएंगे, और पिंकी कल स्कूल बंद है बिकॉज इसका वीकेंड जो होता है थर्सडे रहता है एंड संडे, सैटरडे इसका ऑफ नहीं होता है, तो इसकी वजह से नासिक कैम्ब्रिज में पढ़ती है वो, तो कैम्ब्रिज वालों ने आई थिंक क्लास वाइज इन्होंने किया है छुट्टी फिफ्थ क्लास, तो ऐसा रहता है मतलब क्लास वाइज किसी का वेडनेसडे को वीकेंड दिया, किसी को थर्सडे, किसी को फ्राइडे, समथिंग ऐसे करके दिया कोरोना के बाद ऐसा। अभी जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाने लगी जब से ऐसा हुआ है इसके साथ, और पीछे से जो आवाज़ आ रही है नवीन सुन रहे हैं न्यूज टीवी पे, कुछ बीजेपी कांग्रेस का ऐसा कुछ तो समथिंग चल रहा है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं इन सब चीज़ों में, मुझे अपने अपने काम से और थोड़ी सी ब्लॉगिंग एंड अदरवाइज नथिंग। कौन कहाँ क्या बोला मेरे को कैसे हुआ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस ऊपर वाला है सब देखता है, इतना ही मैं जानती हूँ। अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई क्या बोल रहा है। सो गाइस
सॉरी मैंने घंटा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था, बट थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है किसी, कुछ दिमाग में ऐसी चलती रहती ना किसी के बारे में तो बात आ जाती है। शायद उसको मैं स्किप कर दूँ ये वर्ड को, तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसा। ठीक है, गुस्सा मेरे तक ही, मैं जो पब्लिसिटी करूँ उसकी, तो देखते हैं। और मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करने वाली हूँ। सो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।